हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी माइंड गेम में आप लोगों का स्वागत है। आज की जो ये वीडियो है, ये वीडियो हमारे DSSBN का जो एग्ज़ाम हुआ है पॉलिटिकल साइंस का, उसके लिए ये एग्ज़ाम डिस्कस किया जा रहा है। और यहाँ पर जो आपको पेपर शो हो रहा है वो पेपर है पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस का जो पार्ट सेकंड है ये उसके क्वेश्चन है, जो पार्ट सेकंड है ये उसके क्वेश्चन है, जो पार्ट सेकंड है पेपर के जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले आप लोगों के सामने वो अवेलेबल है। तो आप जो ये क्वेश्चन है आपको आपके सामने रखे जाएंगे और इनके जो क्वेश्चंस है वो आप खुद देख लीजिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस को जिसका भी ये सब्जेक्ट बनता है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, पेपर को सॉल्व कर लीजिए और पेपर देख लीजिए, ताकि जो फ्यूचर में आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हो ताकि आप उनके लिए प्रिपेयर हो सके। तो पॉलिटिकल जिनका एक सब्जेक्ट रहता है वो यहाँ देख लीजिए, साथ में TGT वाले ध्यान रखें इस बात का कि वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहे, क्वेश्चंस को देखते रहे, DSSBN की आने वाली हर एक एक्टिविटी पर अपना ध्यान रखें कि वो कब क्या करने जा रहा है। तो जैसे कि अभी नर्सरी का जो आया है, नर्सरी का और PGT इंग्लिश वालों का, उनका जो पेपर है उसका जो नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन को आप देख लीजिए। जहाँ तक है आप लोगों ने सभी ने देख ही लिया होगा, जो DSSBN के एग्ज़ाम से जुड़े हुए वो सभी DSSBN की वेबसाइट पे पूरा ध्यान रख लीजिए। तो आप लोग यहाँ पर पेपर को देख सकते हैं, पेपर को एनालाइज कर सकते हैं, पूरा वीडियो आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस है पूरा वीडियो आप लोग एंड तक देखिए, ताकि ये जो पूरा का पूरा पेपर है आप उसको देख सकें, एनालाइज कर सकें। साथ ही हमारे जो चैनल से है आप लोग जुड़े रहिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस पेपर अगर DSSBN ऑफलाइन ले रहा है तो वो सभी आप लोगों तक पहुँचाए जा रहे हैं। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, इसमें जो मार्क लगे हैं वो मत देखिएगा, मार्क किए हुए क्वेश्चन गलत है, सही आंसर को आप खुद से ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 है, जैसे सरकार का संसदीय रूप सर्वप्रथम में ब्लैंक में विकसित हुआ, तो आप देखो कि गवर्नमेंट का जो भी था उस टाइम पे वो किस टाइम पे कहाँ पर विकसित हुआ था, तो फ्रांस का तो कोई मतलब ही नहीं होता, ऑप्शन ये गलत है, देखते रहिएगा। नेक्स्ट पर हम मूव कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, उसी को एनालाइज किया जा रहा है, उसी को देखा जा रहा है, पेपर आपको शो हो रहा है कि पेपर कैसा रहा। जो पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हैं या जो बच्चे DSSBN का एग्ज़ाम नहीं दिया है, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस अगर उनका सब्जेक्ट रहता है, तो वो आने वाली जितनी भी परीक्षाएँ हैं टीचर की, उसके लिए यहाँ पर उस पेपर को देख सकते हैं कि जो सेंट्रल है वो कहाँ से क्वेश्चन पुट अप किए हुए हैं। तो धीरे धीरे करके हम मूव कर रहे हैं, ताकि आप हर एक क्वेश्चन को देख सकें अच्छे से। ये पार्ट बी पार्ट है, जितने भी क्वेश्चंस मिले वो आप लोगों तक मैंने पहुँचा दिए। तो DSSBN के एग्ज़ाम से जो लोग जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल साइंस, तो वो लोग इस पेपर को देख लीजिए और पेपर को शेयर कर दीजिए। जिन लोगों का एग्ज़ाम रहा और वो इस एग्ज़ाम को दे नहीं पाए, तो वो भी देख लेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा, और वो खुद को एनालाइज कर लेंगे कि उनको कितना ये पेपर आता है। तो पूरे क्वेश्चन में 200 क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को शो किए जा रहे हैं, क्वेश्चन को देखिए, अटेम्प्ट कीजिए और अपने आप को एनालाइज कीजिए। देखो इसमें 245 का जो क्वेश्चन है वो 2011 की जनगणना के ऊपर दिया हुआ है कि बिहार की महिला दलितों में साक्षरता दर कितना। डीपली क्वेश्चन है ये, देखो 2000 जनगणना के अनुसार सिर्फ एक स्टेट का पूछा है, वो भी बिहार का, और वो भी महिला में, जो दलितों में, बिहार की महिला दलितों का पूछा है, ना कि ओवरऑल। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। इसके साथ ही 246 क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय परामर्श
ये क्या लिखा है कि जनवरी 2015, क्वेश्चन देखो 2015 से पुट अप हो रहा है, 2011 से पुट अप हो रहा है। तो जो मेन मेन क्वेश्चन होते हैं जैसे कि साक्षरता से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है, जनगणना से रिलेटेड, तो आप जरूर देख कर जाइएगा क्योंकि क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं जीके में भी, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हो और टीचर को इतना नॉलेज गेन करना होता है कि उसको जनगणना, क्योंकि वो आजकल एक टीचर का ही एक पार्ट बन रहा है कि उन्हें कोई ये जनगणना करनी होती है, तो जनगणना इसीलिए क्वेश्चंस में पूछने का एक मतलब बन सकता है। दो हजार पंद्रह की सूची के अनुसार भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय, यानी कि कितने रहे हैं 2015 में, कितना डे, ये क्वेश्चन पूछा गया है जैसे कि पीआरटी के जो एग्जाम में पूछा गया था, डिफिकल्ट क्वेश्चन था वो एक, जितने भी थे उसी लेवल में आ गया। अगले क्वेश्चन पेपर को देखिए, अगला जो पेज है 258, जो क्वेश्चन इसमें दिखाई दे रहा है उस क्वेश्चन को पढ़िएगा एक बार। शब्द गैंग प्लैंक हेनरी फैयोल द्वारा प्रयुक्त, जिन्होंने जिनका पॉलिटिकल सब्जेक्ट रहा है वो क्वेश्चन को समझ रहे होंगे, कर रहे होंगे, तो साथ ही हमारे जो क्वेश्चन है वो खत्म होने वाले। वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो ये वीडियो है उन सभी तक पहुंच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव, नेक्स्ट पेज पर। हर एक क्वेश्चन को हम देख लेंगे, ये लास्ट पेज है क्वेश्चन, इसमें 299 क्या है संसद और संविधान, इसके उपकरण हैं, सॉरी, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक और कानूनी न्याय। तो एक यहाँ ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सोच समझ कर है, आर्थिक का कोई मतलब नहीं है, कट ऑफ हो जाएगा, तो पॉलिटी से है तो शायद पॉलिटीज का आंसर हो सकता है। तो जो लोग पॉलिटी से जुड़े हैं वो लोग क्वेश्चन को देख लीजिए। 297 इसमें क्वेश्चन है, किसने कहा कि आदमी जन्म के बाद आज़ाद है और बाद में हर चंगे जंजीरों में जकड़ा रहता है। तो जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है, जिनका पॉलिटिकल सब्जेक्ट रहा है, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा देख लीजिए, ताकि जितने भी क्वेश्चन हैं आने वाली परीक्षाओं में आप लोग उसको देख सकें। तो इसका पार्ट जो बी है वो आप लोगों को करा दिया गया है, चैनल से जुड़े रहिएगा, ताकि जितने भी DSSB के एग्ज़ाम आने वाले हैं वो आप सब लोगों को प्रोवाइड कराए जा सके।